Assalamu alaikum class, my name is Yadaman Zia, lecturer department of computer science and information technology institute of southern Punjab Multan. The subject we are studying is computer networks and this is our lecture number 7 and week 7. Previous lecture mein humne encoding techniques ke baare mein jo hai wo dekha tha. इनकोडिंग टेक्निक्स में हमने जो है वो लाइन कोडिंग को जो है डिटेल के साथ डिस्कस किया था. उसकी जो टाइप्स हैं वो हमने जो है वो देखी थी कौन कौन सी हैं और उनमें से हमने जो है वो कुछ टाइप्स जो है वो कवर की थी. आज के लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि बैंडविड्थ को कैसे जो है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि बैंडविड्थ जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है. अब उस लिमिटेड रिसोर्स को अगर एफिशिएंटली यूज नहीं किया जाएगा तो वो क्या होगी, वेस्ट होगी. तो आज का लेक्चर जो है वो हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो देखेंगे कि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, मल्टीप्लेक्सिंग एंड स्प्रेडिंग. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बैंडविड्थ होती क्या है. The difference between the highest and the lowest frequencies of a composite signal. अगर मैं एनालॉग बैंडविड्थ की बात करूं तो वो क्या होगा कि जो एक कंपोजिट सिग्नल में जो हाईएस्ट और लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस होगा उसको हम बैंडविड्थ बोलेंगे. अगर मैं डिजिटल बैंडविड्थ की बात करूं तो उसमें क्या होगी बैंडविड्थ के इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए लाइन आर ए नेटवर्क के किसी लाइन या नेटवर्क में जो इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी है हम उसको क्या बोलते हैं बैंडविड्थ. के एक जो है वो लाइन कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो कैरी कर सकती है. आप इसको ऐसे सपोज कर सकते हैं कि एक पाइप है और उस पाइप में से जो है वो कितना जो है वो डेटा गुजर सकता है उसको जो है वो हम बैंडविड्थ जो है वो इन टर्म्स ऑफ डिजिटल बैंडविड्थ जो है वो कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ लाइन आर नेटवर्क. तो जो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में, उसके लिए हम मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो है वो यूज करते हैं और दूसरी टेक्निक है स्प्रेडिंग. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो देखते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है. बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इज द वाइज यूज ऑफ अवेलेबल बैंडविड्थ टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स. तो जो हमारा मकसद है कि बैंडविड्थ को जो है वो वाइजली यूज जो है वो कर सकें, क्योंकि ये जो है वो एक लिमिटेड रिसोर्स है. कोई अनलिमिटेड बैंडविड्थ नहीं है कि हम जो है वो जितना मर्जी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर दें ओवर द लाइन और नेटवर्क. हर लाइन की, हर नेटवर्क की जो है वो एक कैपेसिटी होती है, बैंडविड्थ होती है जिसको वो सपोर्ट कर सकता है. एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लेक्सिंग. एफिशिएंसी हम अचीव कर सकते हैं मल्टीप्लेक्सिंग से, दैट इज शेयरिंग ऑफ द बैंडविड्थ बिटवीन मल्टीपल यूजर्स. के बैंडविड्थ को क्या करें हम मल्टीपल यूजर्स में क्या कर दें, शेयर करा दें, तो हम जो है वो उसका एफिशिएंटली जो है वो यूज कर सकते हैं, ताकि जो है वो ये मतलब आइडल ना रहे, हमारी जो रिसोर्सेज हैं कम से कम जो है वो मतलब वेस्ट हो. तो उसके लिए हम जो है वो फिर मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो है वो यूज करते हैं. अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या है कि जब भी एक मीडियम की जो लिंक कर रहा हो डिवाइसेस को, अगर उसकी बैंडविड्थ ज्यादा हो द नीड्स ऑफ द डिवाइसेस, उन डिवाइसेस की जरूरत से ज्यादा हो अगर उसकी बैंडविड्थ, तो हम क्या करते हैं उस लिंक को क्या करा देते हैं, शेयर करा देते हैं. Whenever the bandwidth of a medium linking two devices is greater than the bandwidth needs of the devices, the link can be shared. Multiplexing is the set of techniques that allows the simultaneous transmission of multiple signals across a single data link.
एज डेटा एंड टेलीकम्युनिकेशन यूज इंक्रीजेज सो डज ट्रैफिक। तो क्या करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग में, मतलब मल्टीप्लेक्सिंग सेट ऑफ टेक्निक्स है, उसमें क्या करते हैं कि जो एक हायर बैंडविड्थ का लिंक है उस पर हम मल्टीपल जो कम बैंडविड्थ वाले लिंक्स हैं उनकी ट्रैफिक को जो है वो एक ही लिंक पर जो है वो सेंड कर देते हैं। और जैसे जैसे जो है वो डाटा टेलीकम्युनिकेशन का यूज इंक्रीज होता जाता है तो ट्रैफिक भी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो ये हमारा जो है वो डाटा और कम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन जो है वो सिस्टम, उसमें जो है वो ये यूज होता है नॉर्मली हर जगह जहाँ पर जो है वो हमने मतलब मल्टीपल यूजर्स की ट्रैफिक सेंड करनी हो तो हम क्या करते हैं। अब अगर इसी की मिसाल ले लें टेलीफोन लाइन की, तो अगर हमने अब सपोज करें कि एक एरिया में 200 यूजर्स हैं, तो अब 200 वायर्स हम एक्सचेंज तक लेके जाएं, ये एक गुड डिसीजन होगा या हम जो है वो 200 वायर्स को एक लिंक पर जो है वो इकट्ठा करें और वहां से एक ही वायर जो है वो इन 200 यूजर्स की ट्रैफिक जो है वो एक्सचेंज तक लेकर जाए और फिर एक्सचेंज में वहां पर दोबारा जो है वो ये 200 लाइंस जो है वो कनेक्शन जो है वो सेपरेट हो जाए। तो ये जो है वो मतलब एक वाइज वो लगता है कि हम जो है वो 200 यूजर्स को मल्टीप्लेक्स करें और एक ही लिंक में जो है वो उनकी ट्रैफिक पास हो रही हो और एक्सचेंज पर जो है वो डीमल्टीप्लेक्सर लगा हो और वहां पर जो है वो हर यूजर की ट्रैफिक जो है वो सेपरेट फिर जो है वो हो रही हो। तो हम जो इसमें डिस्कस करेंगे वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। ये जो है वो दिखाई गई है कि डिवाइडिंग अ लिंक इनटू चैनल्स, ये कैसे जो है वो एक लिंक को जो है वो चैनल्स में जो है वो डिवाइड किया गया कि सपोज किया ये एन इनपुट लाइंस है, समझ लें ये टेलीफोन की लाइंस आ रही हैं और हमने जो डिमार्केशन पॉइंट जो वो लगे होते हैं डीपी केबल्स सपोज के पीटीसीएल के, वहां पर जो है वो मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, सारी लाइंस जो है वो जब वहां जाकर जो है वो टर्मिनेट हो रही है उस एरिया की और वहां से फिर जो है वो एक बड़ी लाइन जो है वो जा रही है कहां पर, एक्सचेंज में इन तमाम यूजर्स की ट्रैफिक को लेकर। ये लाइन जो है वो अब इस लाइन में जो है वो चैनल जो है वो बने हुए हैं, जितने यूजर्स आ रहे हैं एन इनपुट है तो एन चैनल्स जो है वो इस लाइन में जो है वो बने होंगे, केबल एक ही होगी लेकिन इसके अंदर जो है वो चैनल जो है वो बने होंगे। तो वन लिंक एन चैनल्स, एक्सचेंज में डी मल्टीप्लेक्सर लगा होगा मतलब मल्टीप्लेक्सर का उलट जो वो क्या करेगा डिवाइड कर देगा उन चैनल्स को जो है वो सेपरेट जो है वो कर देगा, तो ये एन आउटपुट लाइन जो है वो वापिस निकल आएंगी। तो अभी देखिए मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहे मैनी इंटू वन के मल्टीपल यूजर्स को जो है वो कंबाइन करके एक ही लिंक में उसकी ट्रैफिक जो है वो सेंड कर रहा है, और डी मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहा है वन टू मैनी के एक लिंक को डिवाइड कर रहा है इनटू मल्टीपल लाइंस। तो ये जो है वो टेक्निक है जिसे हम बैंडविड्थ को जो है बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो करते हैं। अब मल्टीप्लेक्सिंग की टेक्निक्स हैं, इसमें हम देखेंगे कि दो टेक्निक्स जो है वो एनालॉग हैं और एक टेक्निक जो है वो डिजिटल है। जो एनालॉग टेक्निक है वो कौन कौन सी हैं, सबसे पहली फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, उसके बाद वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और जो डिजिटल है वो है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये तीन पॉपुलर जो है वो टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। हम इनको जो है वो देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है वो क्या होता है कि एन इनपुट लाइन जो है वो आ रही है और सपोज किया तीन लाइन जो है वो आ रही है, तो अब इसके अंदर क्या होगा मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा,
इन तीनों लाइंस की ट्रैफिक को जो है वो एक सिंगल लिंक पर जो है वो सेंड करेगा। तो अब जो वो सिंगल लिंक होगा उसके अंदर क्या होगा, तीन चैनल जो है वो बन जाएंगे। ये जो कलर्स हैं ये कलर्स शो कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज को, मतलब ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का चैनल है और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का चैनल है और ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का जो है वो चैनल होगा। तो तीन इनपुट लाइंस के तीन चैनल जो है वो क्रिएट हो गए। ये वर्चुअली मतलब वर्चुअल वो है चैनल्स, वर्चुअली जो है वो क्रिएट होंगे। केबल एक ही होगी, लिंक एक ही होगा, लेकिन इसके अंदर अब क्या हो रहा होगा, वर्चुअली जो है वो तीन चैनल जो है वो तीन चैनल्स की ट्रैफिक जो है वो पास हो रही होगी। चैनल वन, चैनल टू, चैनल थ्री जो वो जा रही होगी एंड पॉइंट तक। एंड पॉइंट पर डी मल्टीप्लेक्सर लगा होगा, मतलब सपोज कर ले एक्सचेंज में डी मल्टीप्लेक्सर जो है वो लगा हुआ है, वो क्या करेगा, इन चैनल्स की ट्रैफिक को जो है वो आउटपुट लाइंस में जो है वो दे देगा। तो ये जो है वो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में जो है वो इस तरह जो है वो होता है। FDM is an analog multiplexing technique that combines analog signals. अब ये क्या कर रहा है, मतलब analog signals को जो है वो multiplex जो है वो करना है। अब analog signal जो है वो क्या होते हैं और कैसे जो है वो modulation और demodulation होती है, वो आप जो है वो chapter 5 उसमें है वो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो मॉड्यूलेशन या डी मॉड्यूलेशन मीन्स के डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल जो है वो कन्वर्जन जो है वो होती है। ये FDM प्रोसेस जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह जो है वो तीन डिफरेंट सोर्सेज से तीन डिफरेंट जो है वो सिग्नल जो है वो मॉड्यूलेट होकर ओवर अ कैरियर फ्रीक्वेंसी एक कंपोजिट सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट होकर एक हायर बैंडविड्थ लिंक पर जो है वो ट्रांसमिट हो रही है। दो किस्म की ट्रांसमिशन जो है वो यूज होती है, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। बेस बैंड ट्रांसमिशन क्या होती है, ये बेस बैंड ट्रांसमिशन में हम जो है वो सिग्नल विदाउट मॉड्यूलेशन जो है वो सेंड कर देते हैं, लेकिन ब्रॉडबैंड में हम क्या करते हैं, सिग्नल को पहले जो है वो मॉड्यूलेट किया जाता है, मतलब एनालॉग टू डिजिटल या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो है वो होती है, जिसको हम मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन जो है वो बोलते हैं, और फिर जो है वो ट्रांसमिट होता है सिग्नल, जैसा कि हम अपने PTCL ब्रॉडबैंड में भी देखते हैं कि पहले क्या लगा होता है, मॉडेम जो है वो लगा होता है लाइन से पहले, मतलब हमारे कंप्यूटर और लाइन के दरमियान क्या है, एक मॉडेम जो है वो लगा होता है जो एनालॉग या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन जो है वो कर रहा होता है। तो ये बेस बैंड सिग्नल जो है वो दिखाया गया है। बेस बैंड सिग्नल स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, जीरो फ्रीक्वेंसी से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब इनको जो है वो मॉड्यूलेट किया जाएगा ओवर डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज। इस सिग्नल को कैरियर फ्रीक्वेंसी F1 पर जो है मॉड्यूलेट किया जाएगा, और इस सिग्नल को ओवर कैरियर फ्रीक्वेंसी F2 पर, और इस सिग्नल को कैरियर फ्रीक्वेंसी F3 पर जो है वो मॉड्यूलेट किया जाएगा। तो आफ्टर मॉड्यूलेशन जो है वो ये सिग्नल जो है वो रिसीव होगा, और ये तीनों सिग्नल जो है वो कंबाइन होकर एक कंपोजिट सिग्नल जो है वो बना लेंगे। ये तीनों डिफरेंट सिग्नल जो है वो मिलकर एक कंपोजिट सिग्नल जो है वो बनाकर, और ये ट्रांसमिट होगा कंपोजिट सिग्नल ओवर द लिंक। तो ये जो है वो फिर रिसीवर के पास रहेगा, रिसीवर एंड पर जो है वो क्या होगा, इसी तरह सेम उलट प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होगा। वहां पर जो है वो डीमॉड्यूलेटर जो है वो लगे होंगे, दैट विल सेपरेट द डिफरेंट सिग्नल्स, और डीमल्टीप्लेक्सिंग के बाद जो है वो उनको ओरिजिनल सिग्नल जो है वो मिल जाएंगे। ये जो है वो दिखाई गई है, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो है, ये जो हम FM रेडियो जिस तरह सपोज किया हम देख सुनते हैं, ये उसकी जो है वो एग्जाम्पल जो है वो दिखाई गई है कि 88 मेगाहर्ट्ज कैरियर फ्रीक्वेंसी, और दरमियान में ये येलो जो है वो शो कर रहे हैं गार्ड बैंड, जो मतलब इन चैनल्स को जो है वो सेपरेट जो है वो कर रहे हैं, कि ये आपस में जो है वो सेपरेट ही रहे। ये जो है वो मतलब इस तरह जो है वो डिफरेंट चैनल जो है वो
और डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसीज जो है वो हम जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के जो है वो रिसीव करते हैं सिग्नल्स, और वो आपस में सेपरेट होते हैं थ्रू गार्ड बैंड्स। ये जो येलो कलर का जो है वो दिखाया गया, ये गार्ड बैंड को जो है वो शो कर रहा है। तो इस तरह जो है वो मिक्स नहीं होते सिग्नल। अब ये जो है वो रिसीविंग एंड पर जो है वो दिखाया गया कि कंपोजिट सिग्नल आया रिसीविंग एंड पर, और यहाँ पर फिल्टर जो है वो लगे, उस फिल्टर ने क्या किया उन सिग्नल्स को जो है वो सेपरेट किया। अब ये सिग्नल जो है वो पास आउट होंगे फ्रॉम डी मॉड्यूलेटर, तो डी मॉड्यूलेटर जो है वो कैरियर फ्रिक्वेंसी अलग करेगा और जो ओरिजिनल सिग्नल होगा वो रिसीवर को दे देगा। तो इस तरह जो है वो ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है मल्टीप्लेक्सिंग और डी मल्टीप्लेक्सिंग का। तो आज के लिए इतना ही, क्लास में हम जो है वो फर्दर दो टेक्निक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ओके, लास्ट में मैं थोड़ा सा पेपर के बारे में जो है वो बता दूं कि आपका जो पेपर होगा वो 25 मार्क्स का होगा, 4 क्वेश्चंस होंगे और तमाम अटेम्प्ट्स करने होंगे, और सिलेबस जो है वो यही है जो हमने पढ़ा है। बस ये जो आज का लेक्चर है ये इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारा जो है वो सिलेबस जो है वो पीछे हमने जितना भी किया कवर वो सारा का सारा जो है वो इंक्लूडेड है। तो आपने जो है वो अच्छे तरीके से बुक में से प्रिपरेशन करनी है, बुक में से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका पेपर जो है वो अच्छा होगा, अदरवाइज स्लाइड्स में जो है वो लिमिटेड मटेरियल जो है वो होगा, तो हो सकता है उसमें आपका कंप्लीट पेपर जो है वो सॉल्व ना हो सके। तो उस टॉपिक्स को आपने सबको जो है जो अभी हमने पढ़े हैं उनको बुक में से जो है वो आपने पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड टर्म।